इस पुलिस स्टेशन में भूतों का डर इस कदर है कि रात को 11 बजे के बाद जैसे कि कोई औरत के रोने की आवाज या फिर बच्चों की किलकारियां पुलिस स्टेशन की हर एक टेलीफोन काम करना बंद कर देता है। पुरानी हवेलियों, बंद पड़े हुए घर या फिर वीरान खंडरों के बारे में बहुत सारी भूतिया कहानी तो सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको भूत की एक ऐसे किस्से के बारे में बताने जा रहे हैं जो इन सब से बहुत अलग है। पुलिस, जिनके नाम से हर कोई डरता है, जिनके ऊपर पब्लिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, क्या होगा अगर वो खुद डर के बैठ जाए तो? और ऐसा ही हुआ है झारखंड के जमशेदपुर शहर के पास जगसलाई टाउनशिप पुलिस स्टेशन के पुलिस वालों के साथ। रात होते ही इस पुलिस स्टेशन में शुरू होता है कुछ अजीबोगरीब चीजें, जिसके चलते पुलिस वाले भी इस पुलिस स्टेशन में रात को रुकना नहीं चाहते, क्योंकि उनको सताता है भूतों का डर। हरिश सेकता बैनर्जी, यू आर वॉचिंग द बैनर्जी डायरीज। लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ डार्क मिस्ट्री। जगसलाई पुलिस स्टेशन झारखंड राज्य के जमशेदपुर शहर के पास है और साउथ पटना से करीब 445 किलोमीटर दूर है। इस पुलिस स्टेशन में भूतों का डर इस कदर है कि रात को 11 बजे के बाद पुलिस वाले पुलिस स्टेशन से डर के मारे निकल जाते हैं। पुलिस वालों का कहना है कि रात को इस पुलिस स्टेशन में कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है, जैसे कि कोई औरत के रोने की आवाज या फिर बच्चों की किलकारियां। इस पुलिस स्टेशन में ऐसा क्यों होता है किसी को नहीं पता, और आधी रात के बाद ये सिलसिला और बढ़ जाता है। इस पुलिस स्टेशन में पोस्टेड सब इंस्पेक्टर एस बलके के अनुसार इस पुलिस स्टेशन के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, एक नेगेटिव फीलिंग आती है। और अब तो माहौल ऐसा हो गया है कि सिर्फ रात को नहीं बल्कि दिन में भी पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस वालों को रहने में डर लगता है। हर दिन शाम को पुलिस स्टेशन की हर एक टेलीफोन काम करना बंद कर देता है। कई बार उन लोगों ने इन टेलीफोन्स को चेक भी करवाया, लेकिन इनमें कोई भी प्रॉब्लम सामने नहीं आया। किसी को भी नहीं मालूम कि ऐसा क्यों हो रहा है। वहां के लोकल लोगों का मानना है कि कई साल पहले उस पुलिस स्टेशन की जगह को वहाँ के लोकल लोगों के बॉडी का दह संस्कार के लिए यूज किया जाता था और बाद में वहीं पे एक पुलिस स्टेशन खड़ा कर दिया गया। लोकल लोग और पुलिस का मानना है कि उन्हीं बॉडियों के आत्मा अब तक पुलिस स्टेशन में घूम रही है और इसी वजह से वो पुलिस स्टेशन हॉन्टेड है। लोकल अथॉरिटी का कहना है कि हर साल पुलिस स्टेशन में पूजा करवाई जाती है और इसी के साथ साथ पुलिस स्टेशन के अंदर आत्माओं के लिए प्रसाद भी चढ़ाया जाता है, ताकि वो आत्माएं शांत रहे और किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। हालांकि ये झारखंड की इकलौता हॉन्टेड प्लेस नहीं है। ईस्टर्न इंडिया के रांची रेलवे डिपार्टमेंट के झालदा और कोटशिला के बीच आने वाले बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन को 1967 में भूतों के प्रेजेंस की वजह से बंद कर दिया गया। कहते हैं कि इस स्टेशन में भूतों की वजह से एक स्टेशन मास्टर की डेथ हो गई है और उसी के बाद से कोई भी इस स्टेशन में काम करने के लिए राजी नहीं था और इसी वजह से इस रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया। हमें नहीं पता कि सच में उस पुलिस स्टेशन में कोई भूत कस आया है या फिर ये पुलिस वालों का एक वहम है, लेकिन एक साथ इतने सारे पुलिस वालों का एक ही वहम होना क्या सच में पॉसिबल है?
वी रियली डोंट नो, हमने वहां पे जाके नहीं देखा। लेकिन आपको क्या लगता है कैसा सच में हो सकता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमें एक मौका जरूर देके देखिए। एंड आई एम प्रीटी श्योर वी विल नॉट डिसअपॉइंट यू। सो मिलते हैं अगली कहानी के साथ। सी यू सून इन द वर्ल्ड ऑफ डार्क मिस्ट्रीज़।